अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एलसीडी को मरम्मत करने का तरीकाकार बताऊंगा। इस एलसीडी में ये मसला है कि ये आवाज़ नहीं दे रही, यानी कि इसकी आवाज़ नहीं आ रही। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, ये हमारे पास एक 19 इंच की एलसीडी है। इसमें मसला ये है कि इसका साउंड नहीं आ रहा। अगर कोई भी चीज़ प्ले करते हैं तो इसका साउंड नहीं आता। तो सबसे पहले मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसकी एलईडी ग्लो कर रही है मगर ये ऑन नहीं हो रही। सॉरी, ऑन कह रहा हूँ, इसका साउंड नहीं आ रहा। तो मैं अभी इसे स्टैंड बाई मोड से निकालता हूँ। ठीक है, ये पहले से ही यूएसबी मैंने लगा दिया ताकि टाइम की बचत हो जाए। और अब मैं कोई भी चीज़ प्ले करता हूँ इसमें से। ये देखें, वॉल्यूम भी 100 के ऊपर है, आप ये देख सकते हैं, मगर कोई साउंड नहीं आ रहा आपको। मैं एलसीडी के अगर रिमोट से वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करूँ तो मुझे कोई साउंड सुनाई नहीं दे रहा। तो अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखें, मैंने इसका फ्रेम पहले से ही यानी कि खोल दिया, इसके जो स्क्रूज़ हैं, ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो अब हमें सबसे पहला जो स्टेप है, आपने जब भी एलसीडी को रिपेयर करना है, अगर आपकी एलसीडी में साउंड का फॉल्ट है, सबसे पहला स्टेप ये, आपने इसके कवर को उतार देना है। ये जो इसका फ्रेम है, इसे आपने उतार देना है। ठीक है, तो आपने अब करना ये है कि अपनी एलसीडी को ऑन कर देना है दोबारा से, और एक कोई भी पुराना स्पीकर जो कि आपके पास पहले से होना चाहिए, आप अगर चाहे ये वाला लगाइए। जस्ट टेस्टिंग के लिए, सिर्फ टेस्टिंग के लिए हम अभी लगाएंगे, ताकि हमें कंफर्म हो सके कि आया हमारे स्पीकर में मसला है या हमारी जो कार्ड है उसमें मसला है। तो अभी फ़िलहाल मुझे तो नहीं पता इसमें किस में मसला है। सबसे पहला जो स्टेप वो ये है कि आपने इसका स्पीकर चेक करना है। तो इसके स्पीकर को चेक करने के लिए आपको इसका कोई से भी एक स्पीकर को आप खोल लें। असल में साउंड का मसला तब आता है जब आपका जब आप वॉल्यूम को फुल कर देते हैं, और उस वजह से आपके जो स्पीकर होते हैं ये चाइना के होते हैं, कुछ इतने ख़ास नहीं होते। और ये आप देख सकते हैं कि ये इसमें छोटा सा एक स्पीकर लगा हुआ है, इसकी आवाज़ भी बहुत कम होती है। तो यही वजह है इसका जो साउंड नहीं आ रहा है। तो अब देखते हैं, चेक करते हैं कि इसमें क्या मसला है। मैं कोई भी चीज़ इसके पीछे प्ले कर देता हूँ, और मोबाइल को हम होल्डर के ऊपर लगा देते हैं, फिर हमें इसकी तसल्ली के साथ टेस्टिंग करते हैं। जी तो दोस्तों, आपने कोई भी चीज़ प्ले कर लेनी है इसके अंदर से, मसलन आप कोई भी वीडियो साउंड या ऑडियो कोई भी चीज़ प्ले कर लें, और इस स्पीकर की जो दो तारें हैं उसे आपने इसके स्पीकर के साथ अटैच करना है। ये देखें, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है। अगर मैं ये दूसरा लगाता हूँ तो उसकी भी चेक कर लेते हैं। आप छोटी सी 2 मिनट की वीडियो को ये बताऊंगा कि आप अपने टीवी की ये देखें। ठीक है, आपको साउंड लग रहा है, आपको साउंड आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इसमें स्पीकर में मसला है, हमारी पीसीबी में कार्ड में मसला नहीं है, हमारे जो है इस स्पीकर में मसला है। तो दोस्तों, अब मुझे करना ये होगा, या तो बिल्कुल इसी तरह का स्पीकर मुझे मार्केट से लाना पड़ेगा, जो कि आपको 100 से 200 रुपए तक ये जोड़ी मिल जाती है। अगर आप ये नहीं लगाना चाहते, आप चाहते हैं कोई और स्पीकर लगाएं, तो मैं ये स्पीकर भी इस जगह पर यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसकी फ़िटिंग में इसको फ़िटिंग बना लूँगा और इसको इसके साथ सोल्ड करता हूँ, फिर देखते हैं हमने कौन सा स्पीकर इसके अंदर यूज़ करना है। जी तो दोस्तों, अब ये वाला स्पीकर जो है इसकी बॉडी में फ़िट नहीं हो रहा है, इसको फ़िटिंग के लिए थोड़ा सी मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि मुझे इसके ऊपर अल्फी वगैरह लगानी पड़ेगी। इस वजह से मैं ऐसे करता हूँ कि एक नया स्पीकर ले आता हूँ, जो कि बिल्कुल इस तरह का होगा, या इससे थोड़ा सा डिफरेंस भी हो जाए मगर शेप उसकी ये हो, तो फिर मैं उसे ला कर उसे सोल्डिंग करता हूँ, यानी कि दो जो वायर्स हैं आपके सामने मैं इसे सोल्ड करूँगा, और फिर लास्ट बार हम इसकी फ़ाइनल टेस्टिंग करेंगे और बाकी बातें बाद में करेंगे। जी तो दोस्तों, अब बारी आती है इन स्पीकर को रिप्लेस करने की। ये पहले वाला स्पीकर है, ये मैं मार्केट से 2 नए स्पीकर लेकर आया हूँ, जो कि मुझे 100 रुपये के मिले हैं। ये दोनों स्पीकर 100 रुपये के मिले हैं। तो अब हमें इसको लगाना है, तो मैं इसको लगाने का तरीकाकार आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि स्पीकर में भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही होते हैं। तो आपको करना ये है कि जो इसके पहले कनेक्शन हैं उनको रिमूव कर लेना है, पहले एक को उतारना है, उसी तरह दूसरे में लगा देना है।
यानी कि ये जो आप उतारेंगे एक, ये आपको सफ़ेद कलर की तार नज़र आ रही है। अगर यहाँ पर दूसरे कलर की तार हो, मसलन लाल कलर की, रेड कलर की हो, तो वो भी पॉजिटिव ही कहलाएगी। जो जो नेगेटिव है वो हमेशा काली में ज़्यादातर आती है, तो आपने इसके साथ लगा देनी है नेगेटिव। अच्छा, अब मैं आपको ज़रा स्पीकर के कनेक्शंस के बारे में बताता चलूँ। ये आपको मेरे ख्याल से इधर नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर एक साइड पर पॉजिटिव लिखा होता है और एक साइड पर नेगेटिव। जो दाहिनी साइड इधर पॉजिटिव लिखा हुआ है, अगर आप गौर करें तो इधर नेगेटिव लिखा होता है। तो आप अगर नेगेटिव और पॉजिटिव का ख्याल नहीं ना रखेंगे तो आपकी आवाज़ में थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, ये बात है। अगर आप उल्टी भी लगा देंगे तो आपका निज़ाम चलता रहेगा, ये नहीं कि आपका निज़ाम नहीं चलेगा, आपका निज़ाम अच्छे तरीके से चलता रहेगा। मगर जो है ना, एक चीज़ का जो तरीकाकार है उसके साथ उसे लगाना चाहिए। तो अब मैं दूसरे स्पीकर को भी बाहर निकालता हूँ और इसके कनेक्शंस देखें आप, एक की रेड है और एक की, एक साइड पर रेड है और एक ब्लैक है, तो मैं इसे भी वैसे ही लगा देता हूँ। ये इंतहाई आसान तरीकाकार है, मैं आगे इसकी आपको बता चुका हूँ कि आपने किस तरह से इसको करना है। कोशिश करें जब आप ये स्पीकर की रिप्लेसमेंट करें तो इसे, एलसीडी को ऑफ़ रखें। मैंने वैसे ही ऑन किया हुआ है ताकि आप लोगों को मैं ज़रा दिखा सकूं। तो अब बारी आती है इसकी फ़ाइनल टेस्टिंग की। ये जो इसके ऊपर से कवर उतरेगा वो आपने वैसे ही इसके साथ लगा देना है, वो तो कोई मसला नहीं। अगर आप नहीं लगाएंगे तो तब भी काम चल जाएगा, मगर ये इसकी फ़िटिंग होती है, ये बड़े ही आराम के साथ फिट आ जाएगा, हिलेगा नहीं स्पीकर, आपकी छनछनाहट नहीं रहेगी। चलें जी, अब इसको दोबारा से टेस्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि आवाज़ बिल्कुल ठीक तरह से आ रही है, तो जो मसला था वो हमारा क्लियर हो गया है। तो मैं ज़रा इसे म्यूट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने ये देखा कि मैंने आपके सामने इसको बड़े ही आराम के साथ इसे रिप्लेस कर दिया है, जो कि इतना ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं था। तो अब इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था ताकि मैं आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बता सकूँ कि अगर आपकी एलसीडी ख़राब होती है तो पहले आप उसे घर पर खोलें, उसे घर पर खोल कर देखें उसे मसला क्या है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि हमारा तो ये काम है डेली का, तो 90% फॉल्ट जो होता है ना वो स्पीकर के अंदर होता है। आप लोग जब इसकी आवाज़ को फुल करके इसे सुनते हैं तब वो स्पीकर की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, आईसी जो इसमें बड़ा लगा होता है कार्ड में, और वो स्पीकर जो है वो ख़राब हो जाता है। इस वजह से 90% फॉल्ट जो है वो यही स्पीकर के ही निकलते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था ताकि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि इस एलसीडी में, इस एलसीडी के साउंड को इस तरह क्लियर किया जाता है। इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं इससे और भी रिलेटेड जो दूसरी वीडियोस होंगी कार्ड के रिलेटेड, या और भी जितनी भी रिपेयरिंग की वीडियोस होंगी, जैसे जैसे आती रहेंगी हम उनके ऊपर डिस्कस करते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।